हाय गाइस, पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वाला चुन्नी, मेरा खुद का लहंगे का चुन्नी है। तो ये मैं सर के ऊपर रखूँगी एंड आप मेरा हेयर स्टाइल भी देख सकते हैं। मैंने हेयर स्टाइल वैसे बनाई हूँ जैसे दुल्हन तैयार होते उस तरीके का हेयर स्टाइल बनाइए। तो ये हम सिर के ऊपर रखेंगे, तो मेरा शादी का ही चुन्नी है। तो इसको ना हम सिर पर रख तो लेते हैं, पर ये गिरता रहता है, ये मतलब फिक्स नहीं रहता है। तो इसको हम अभी सर के ऊपर रखेंगे। तो जिधर से हमने सर का पॉइंट हमने देखे थे, वहाँ से हमने इसका हैंड मतलब वहाँ से ली हो एंड या हम लगा देंगे पिन। तो पिन लगाएंगे, तो इधर जो सेंटर पॉइंट है या हम अब पिन लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको पिन लगाना है, जो बाहर ये पिन ना दिखेगा भी नहीं और अंदर ही रहेगा। एंड अभी एक पिन से काम नहीं होगा, क्योंकि एक पिन आप लगाओगे तो आपका सर काफ़ी दुखेगा। तो हम यहाँ तीन पिन लगाएंगे, तो दो फिंगर गैप करके इसको पिन आप लगा दीजिए। आप तीन पिन लगा दीजिए, तो एक और मैं लगाऊंगी। तो मैंने पिन इसमें ही लगाई थी, तो नहीं वही निकाल के आपको इधर रख कुछ थाने रखने के लिए पिन तो मैं इसमें ही लगा दी थी। तो ये 2 इंच का हमने किए हैं। अभी हम बीच में इसको बीच वाला जो पिन हमने लगाया है उसको हम सेंटर पॉइंट में रख के इसे आप देख सकते हो, अच्छे से दिख भी रहा है पिन। एंड अब हम लगाएंगे ये वाला पिन, जो ये पिन आपको आसानी से 100 दुकान पे मिल जाएगा। ये बालों का पिन है। एंड अभी इसको आप क्लिप भी लगा सकते हो, नहीं तो ये पिन भी लगा सकते हो। तो इसको अच्छे से आप पिन के अंदर से लेके घुसा दीजिए। तो मैंने सिंगल पिन लगाई हो तो मैं डांस कर रही हूँ, बट वहाँ पर मेरा दुखने लग गया था, इसके लिए मैं ये 2 पिन एक्स्ट्रा लगाई हूँ। क्योंकि ये जब रहेगा ना 3 पिन एक साथ, तो आपका हेयर दुखेगा भी नहीं और आसानी से कंफर्टेबल भी रहेगा। तो इस तरीके से आप आराम से पिन लगा दीजिए। तो दूसरे बाजू भी मैं अच्छे से लगाऊंगी, मेरे पास क्लिप नहीं था, नहीं तो क्लिप का भी आपको दिखा देती मैं। बट पिन अच्छा रहता है, क्लिप से ज़्यादा अच्छा पिन रहता है। एंड इस तरीके से आप घुसा दीजिए। हाँ, अभी ये एकदम फिक्स हो गया और काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रही है। तो आप चाहे ये वाला लहंगा जो ब्राइट होते हैं उन लोग के लिए एकदम बेस्ट है। और आप इधर देखिए, आपको ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ लगाई भी हो क्या, एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा। काफ़ी अच्छा फिनिशिंग है एंड आप पीछे भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लुक भी काफ़ी अच्छा है। और मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ और मैं अभी डांस करके भी आपको बताऊंगी। तो मैं डांस कर रही थी, तो मैं एक बार ये इसे नीचे इस तरीके से भी करूंगी कि आपको सबूत में दिखा सकूं एंड आसानी से आप कर सकते हो। यार किस बात का वेट कर रहे हो, ट्राई करो। ये वाला एक्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अच्छा लगे तो लाइक। बाय बाय।